केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अंतर्गत आर्ट अड्डा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत मशहूर चित्रकार अंजलि इला मेनन के व्यक्तित्व पर लिखी गई किताब थ्रू द पटीना के हिंदी वर्जन का विमोचन किया गया। इस मौके पर मौजूद मशहूर चित्रकार ने कहा कि मैं इस अवसर पर भावुक हूँ। उन्होंने कहा कि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो जिंदगी के कई पड़ाव आंखों के सामने गुजर जाते हैं। बता दें, अंजलि एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार भी हैं और कई बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अब हिंदी में आर्ट के बारे में, कला के बारे में किताबें निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि ये शायद पहली किताब है जो कोई वेल नोन आर्टिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि जो बड़े कॉफ़ी टेबल्स बुक्स आते हैं उनका टेक्स्ट कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि इतना भारी होते हैं तो कॉफ़ी टेबल में ही पड़ा रहता है। लोग उनके चित्र देख लेते हैं मगर उसका टेक्स्ट जो पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ता है। कठिन सवाल है। वैसे मेरा नाम उदय भास्कर है, पर जब मैं कला के ऊपर लिखता हूँ तो मैं ईसाना मूर्ति के नाम से लिखता हूँ। और कुछ साल पहले मैंने भारत के काफ़ी मशहूर कलाकार अंजलि मेनन के बारे में और उनके काम के बारे में, उनके चित्र के बारे में मैंने एक किताब लिखा था अंग्रेज़ी में। और दो तीन साल के बाद एक प्रकार का लोगों ने सोचा कि इसको हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। तो आज जो किताब का रिलीज़ था ये उसी किताब का जो हिंदी में अनुवाद हुआ है, क्योंकि गैलरी के लोग और जो कला प्रिय लोग हैं उन्होंने यही कहा कि अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी में भी कई सारे लोग